हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड बायोलॉजी क्लासेस पर। देखिए, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास ट्वेल्थ बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 12 में। देखिए, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अक्सर आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार करना है। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे किसी भी इकोसिस्टम में या किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है, और साथ ही साथ समझेंगे कि किसी भी इकोसिस्टम में ऊर्जा हानि या ऊर्जा का ह्रास कैसे होता है। सबसे पहले तो समझिए कि पारिस्थितिक तंत्र में या किसी भी इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है या ऊर्जा का प्रवाह है क्या। तो देखिए, कोई भी हमारे पास इकोसिस्टम है, अब उस इकोसिस्टम या कोई भी पारिस्थितिक तंत्र है उसमें जो एनर्जी है, तो सबसे पहले तो आपको पता है कि जो इकोसिस्टम है उस इकोसिस्टम का प्रमुख स्रोत क्या है एनर्जी का, सूर्य है। तो सूर्य के द्वारा कौन सी एनर्जी प्राप्त होगी, सोलर एनर्जी। अब सूर्य से जो प्राप्त एनर्जी है उसको सबसे पहले तो हरे पौधे एब्जॉर्ब करते हैं। अब हरे पौधे देखिए क्या करते हैं कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, और उनके पास क्लोरोफिल तो ऑलरेडी होता है हरे पौधों के पास, तो वो क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल व CO2 से क्रिया करते हैं, और उसके पश्चात पेड़ पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि भोज्य पदार्थों का निर्माण करते हैं। तो देखिए, किसी भी सूर्य से प्राप्त सोलर एनर्जी जो होती है उस सोलर एनर्जी को कौन ऑब्जर्व करके रखते हैं, हरे पेड़ पौधे, यानी किसके रूप में संग्रहित करके रखते हैं, भोज्य पदार्थों के रूप में। तो अब ये जो भोज्य पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान तक जब जाएंगे तो एनर्जी भी तो इन्हीं भोज्य पदार्थों के अंदर ही है, तो ये एनर्जी का भी फ्लो करेंगे। मतलब जैसे जैसे भोज्य पदार्थ एक से दूसरे में ट्रांसफर होते जाएंगे वैसे वैसे एनर्जी भी तो एक से दूसरे में ट्रांसफर होती जाएगी। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि कोई भी हमारे पास इकोसिस्टम है उस इकोसिस्टम या पारिस्थितिक तंत्र में जो ऊर्जा स्रोत से ग्रहण की गई ऊर्जा होती है उसकी उत्पादकों से लेकर के विभिन्न उपभोक्ताओं और अपघटकों की ओर जो भोजन के रूप में स्थानांतरित होने की क्रिया होती है वही ऊर्जा का प्रवाह कहलाती है। मतलब ऊर्जा का प्रवाह कैसे होगा, तो ऊर्जा का जो प्रवाह होगा ना वो भोजन के रूप में ही होगा, क्योंकि एनर्जी तो भोजन में ही है, और भोजन के रूप में ऊर्जा के स्थानांतरित होने की जो प्रक्रिया है उत्पादकों से लेकर के यानी प्रोड्यूसर से लेकर के विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं और अपघटकों की ओर जो एनर्जी का फ्लो होता है वही तो क्या है, एनर्जी फ्लो है। तो पारिस्थितिक तंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है तो सबसे पहले तो एनर्जी कहाँ से आएगी, सूर्य से आएगी। तो किसी भी स्रोत से जो प्राप्त एनर्जी होती है इकोसिस्टम में उसको भोजन के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक फ्लो होने की जो प्रक्रिया होती है वही तो क्या है, एनर्जी फ्लो है। तो यानी आपको यहाँ पे समझ में ये तो आ गया होगा कि जो एनर्जी का फ्लो होगा वो भोजन के रूप में होगा, क्योंकि एनर्जी तो भोजन के अंदर ही है। तो किसी भी इकोसिस्टम में जो किसी भी स्रोत है, स्रोत से प्राप्त जो एनर्जी है उसको हरे पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं, और फिर उनसे जो है विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं से अपघटकों की ओर एनर्जी का फ्लो होगा। तो यानी आपको शाब्दिक तौर पर समझना है कि किसी भी इकोसिस्टम में जो ऊर्जा स्रोत से ग्रहण की गई ऊर्जा होती है उसको उत्पादकों से लेकर के विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं तक और अपघटकों तक भोजन के रूप में इस एनर्जी के फ्लो होने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, ऊर्जा का प्रवाह कहलाती है। ऊर्जा के प्रवाह में सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है वो है किसी भी इकोसिस्टम या परितंत्र में ऊर्जा की हानि कैसे होती है, यानी ऊर्जा का ह्रास कैसे होता है। सबसे पहले तो देखिए, जो सूर्य द्वारा प्राप्त या उत्सर्जित जो ऊर्जा होती है उसके 1 या 2% भाग को ही हरे पौधे ग्रहण करते हैं, पूरा का पूरा। देखिए, एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि ऐसा नहीं है कि सूर्य से जो प्राप्त सोलर एनर्जी है उसका पूरा का पूरा एनर्जी जो है पेड़ पौधे ग्रहण करेंगे, उसके केवल 1 या 2% भाग को ही हरे पौधे ग्रहण करते हैं, और वो ग्रहण करने के पश्चात क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट या आप ऐसा कह सकते हैं ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, क्योंकि ग्लूकोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। तो कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज का निर्माण करते हैं पेड़ पौधे जो कि उनका भोज्य पदार्थ होता है, और इसी भोज्य पदार्थ को वो रासायनिक बंध के रूप में इकट्ठा करके रख लेते हैं। यानी सूर्य से जो प्राप्त सोलर एनर्जी वो किसके पास पहुंच चुकी है, वो पहुंच चुकी है उत्पादकों के पास। अब देखिए, एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है कैलाश चंद्र, तो डॉक्टर कैलाश चंद्र के अनुसार इन्होंने क्या कहा कि जैसे उत्पादकों के पास मान लीजिए एनर्जी अभी पूरी है, तो जो उत्पादक या प्रोड्यूसर इनके पास मान लेते हैं कि 100% एनर्जी है,
अब इस 100% एनर्जी में से पूरा का पूरा जो एनर्जी है वो अगले श्रेणी के जीवों में नहीं जाएगा। डॉक्टर कैलाश चंद्र ने क्या कहा कि पौधे द्वारा भोज्य पदार्थों के रूप में जो संचित ऊर्जा है उसका लगभग 90% भाग जो है स्वयं की ही जैविक क्रियाओं में खर्च हो जाता है। यानी आप समझेंगे यहाँ पे कि जो हमारे पास उत्पादक हैं तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, उत्पादक। अब उत्पादक को हम क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर कहते हैं, तो इसको हम शॉर्टकट में पी लिख सकते हैं, तो पी फॉर यहाँ पे प्रोड्यूसर। अब चूंकि प्रोड्यूसर को सबसे पहले एनर्जी कहाँ से मिलेगी, सबसे पहले एनर्जी मिलेगी सूर्य से, तो सूर्य से जो प्राप्त एनर्जी है उसको प्रोड्यूसर या उत्पादक क्या करते हैं, भोज्य पदार्थ के रूप में इकट्ठा कर लेते हैं उस एनर्जी का। अब मान लीजिए उत्पादकों के पास 100% एनर्जी बनी, कितनी प्रतिशत एनर्जी बची, 100% एनर्जी मान लीजिए बनती है किसके पास, उत्पादकों के पास। अब इस 100% में से जो 90% भाग है, 90% एनर्जी है वो स्वयं के जैविक क्रियाओं में खर्च हो जाती है। मतलब ये उत्पादकों के स्वयं के जैविक क्रियाकलाप यानी स्वयं के मेटाबॉलिक क्रियाओं में खर्च हो जाएगी, और जो शेष बचेगी 10% भाग वो अगले श्रेणी के यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर्स या आप ऐसा कह सकते हैं कि प्राथमिक उपभोक्ताओं द्वारा ग्रहण कर ली जाती है। क्योंकि अब उत्पादकों को कौन खाएंगे, प्राथमिक उपभोक्ता के जीव यानी शाकाहारी जीव खाएंगे। तो ये जो 10% एनर्जी बची है ना, क्योंकि 90% जो एनर्जी है वो उत्पादकों के स्वयं के जैविक क्रियाओं में खर्च हो चुकी है। अब जो शेष 10% एनर्जी बची है वो किसके ऊपर चली जाएगी, वो 10% जो एनर्जी है वो मिल जाएगी किसको, प्राथमिक उपभोक्ताओं को। अब प्राथमिक उपभोक्ता भी इस 10% एनर्जी में से क्या करेंगे, इसका 90% भाग जो है स्वयं की क्रियाओं में यूज कर लेंगे। फिर जो बाकी की इसकी एनर्जी होगी 10%, वो किस में चली जाएगी, सेकेंडरी कंज्यूमर्स के पास चली जाएगी। इसी प्रकार सेकेंडरी कंज्यूमर्स भी, इनको जितनी एनर्जी प्राप्त हुई है उसका 90% भाग ये भी खर्च कर देंगे अपनी जैविक क्रियाओं में, और उसका जो 10% बचा होगा वो अगली श्रेणी के जीवों में स्थानांतरित कर देंगे। और ये अगली श्रेणी के जीव भी क्या करेंगे, अगली श्रेणी के जीवों को स्थानांतरित कर देंगे, 90% यूज कर लेंगे उस एनर्जी का, और जो उसका 10% बचेगा उसको अगली श्रेणी के जीवों में भेज देंगे। तो इस प्रकार से एक आपको साइंटिस्ट का नाम याद रखना है जिनका नाम है लिंडेमान। तो लिंडेमान का आपको नाम याद रखना है क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं, और अक्सर आपके एग्जाम में यहां से एक वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ऊर्जा का 10% नियम है वो किसने दिया। तो आपको याद रखना है कि ऊर्जा का 10% नियम किसने दिया था, लिंडेमान ने दिया था। और लिंडेमान ने ही क्या बताया कि हर एक स्तर में एनर्जी का 10% ही फ्लो होता है, यानी 90% स्वयं के जैविक क्रियाओं में खर्च हो जाती है। ये तो डॉक्टर कैलाश चंद्र ने कहा, लेकिन 10% जो शेष एनर्जी है वो अगले के जीवों में क्रमशः एनर्जी का फ्लो होता जाता है, ऐसा किसने कहा, लिंडेमान ने। तो लिंडेमान ने बताया कि एनर्जी का फ्लो जो है 10% होता है, मतलब 10% एनर्जी ही अगले श्रेणी के जीवों में एक जीव से दूसरे जीव को मिल पाती है। तो इस प्रकार से आप यहां पे समझेंगे कि क्रमशः यह प्रक्रिया किसी भी इकोसिस्टम के अंदर चलती रहती है, और फिर जब ये तृतीयक उपभोक्ता खत्म हो जाएंगे तो इनका भक्षण कौन करेंगे, अपघटक इनका भक्षण कर लेते हैं, यानी डिकम्पोजर इनका भक्षण कर लेंगे। तो सेम प्रक्रिया आपको देखते जाना है कि देखिए पौधे द्वारा जो भोज्य पदार्थों के रूप में संचित ऊर्जा है उसका लगभग 90% भाग तो वो स्वयं की जैविक क्रियाओं में खर्च कर लेते हैं, लेकिन जो शेष 10% भाग संचित भोज्य पदार्थ होता है उसके रूप में प्राथमिक उपभोक्ताओं द्वारा ग्रहण कर ली जाती है। क्योंकि उत्पादकों को प्राथमिक उपभोक्ता खाते हैं तो जो 10% एनर्जी बची है वो प्राथमिक उपभोक्ताओं के पास चली जाएगी। इसी प्रकार देखिए प्राथमिक उपभोक्ता भी प्राप्त ऊर्जा का 90% भाग खर्च कर देते हैं और 10% भाग अगले परितंत्र की श्रेणी को स्थानांतरित कर दी जाती है। यानी प्राथमिक श्रेणी के उपभोक्ताओं को जब द्वितीयक श्रेणी के उपभोक्ता खाएंगे तो 10% एनर्जी उनके पास भी चली जाएगी। और सेम यही प्रक्रिया किसी भी परितंत्र में या इकोसिस्टम में यही क्रम पूरा का पूरा लास्ट में आप देखेंगे चलता रहता है। और अंत में अपघटक क्या करते हैं कि जो मृत जीव हो जाते हैं उनके शरीर से शेष बची जो ऊर्जा होती है उसका कुछ भाग जो है बाहरी वातावरण में मुक्त कर देते हैं। इसके बाद देखिए किसी भी परितंत्र में एक दिशीय ऊर्जा का प्रवाह होता है। वन ऑफ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको छाप के आप नोट कर लीजिए क्योंकि अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि किसी भी परितंत्र या इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है, तो आपको याद रखना है कि जो ऊर्जा का प्रवाह होता है कैसा होता है, तो आपको याद रखना है एक दिशीय होता है। तो अक्सर आपको ध्यान देना कि ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो एक दिशीय होता है, और ऊर्जा का प्रवाह कितने प्रतिशत होता है, तो 10% होता है। इसके साथ ही साथ आपको याद रखना है
कि एक चीज और याद रखनी है कि जो ऊर्जा का पिरामिड होता है वो हमेशा सीधा बनता है। तो तीन यहां पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको तैयार करने, क्योंकि अक्सर यहां से बनते हैं। इसके बाद देखिए, तथा प्रत्येक स्तर में इसमें कमी आ जाती है। अब आपको पता कि जैसे उत्पादकों के पास एनर्जी सबसे ज्यादा थी, जैसे जैसे स्तर बढ़ते जाते हैं एनर्जी में कमी आती जाती है। तो अतः हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारी खाद्य श्रृंखला या आहार श्रृंखला होती है, जिसको हम फूड चैन कहते हैं, फूड चैन जितनी लंबी होगी ऊर्जा हानि उतनी ही ज्यादा होगी, और फूड चैन जितनी छोटी होगी ऊर्जा हानि उतनी ही कम होगी। तो ये चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।